आज है आठ अक्टूबर 2023 दिन रविवार वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साल में लखनऊ मंडल को मिलेगी नौचंदी एक्सप्रेस 20 जनवरी से बदले नंबर से चलेगी सारमपुर प्रयागराज के बीच संचालित होने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन नौचंदी एक्सप्रेस अगले साल से लखनऊ मंडल के हवाले हो जाएगी इसके बाद ट्रेन के नंबर में भी बदलाव होगा साथ ही ट्रेन में अत्याधुनिक लिंक हाफमैन ब्रश कोच भी लगाए जाएंगे जनरल कोच में पहले की अपेक्षा सीट्स अधिक होंगी सीट्स के बढ़ने से यात्रियों को राहत होगी नौचंदी एक्सप्रेस बीस जनवरी दो से नए नंबर एक चार नंबर से संचालित होगी यूपी में अब टूटेगी अपराधियों की कमर पुलिस ने लोगों की मदद से किया ये काम मंडल की पुलिस अब अप अपराधियों पर एक जगह बैठे बैठे नजर रखेगी इसके लिए दृष्टिगत अभियान के तहत मुरादाबाद रेंज में बयालीस हजार एक सौ इक्यानवे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ये कैमरे रेंज के पांच जिलों में लोगों के सहयोग से उनके यहाँ स्थापित कराए गए थाने पर बने कंट्रोल रूम से इन कैमरों के माध्यम से नियमित निगरानी हो सकेगी निगरानी बढ़ने से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगने की उम्मीद है बारह हजार चार सौ साठ सहायक अध्यापक भर्ती विवाद खाद पांच साल बाद पाँच हजार नौ सौ अड़तालीस लोग बनेंगे शिक्षक परिषदीय प्राथमिक स्कूल में बारह हजार चार सौ साठ सहायक अध्यापक भर्ती का विवाद तकरीबन पांच साल बाद खत्म होने वाला है शून्य जनपद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अठारह सितम्बर से लगातार सुनवाई के बाद अब आदेश सुरक्षित कर लिया गया उम्मीद है कि आदेश पारित होने के साथ पाँच बेरोजगारों की नौकरी का रास्ता साफ हो जाएगा पशुपालकों के लिए खुश खबरी नवरात्र के पहले दिन शुरू होगी ज्ञान डेयरी गोरखपुर जिले में गीडा क्षेत्र में लगी ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे नवरात्र के पहले दिन होने वाले इस कार्यक्रम के लिए गीडा सीईओ ने प्लांट का निरीक्षण किया गीडा सेक्टर 26 में बीस हजार सड़सठ वर्ग मीटर में ज्ञान डेयरी की स्थापना की गई है पिछले साल इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था कंपनी यहां दूध की पैकेजिंग के अलावा छाछ लस्सी दही और दूध से बने अन्य उत्पाद भी बनाएगी गन्ना किसानों को यूपी सरकार से और उम्मीद पिछले साल के मुकाबले गन्ना खरीद के दाम में हुआ इजाफा उत्तर प्रदेश सरकार भले ही गन्ने के दामों में कुछ भी इजाफा करे लेकिन कोलुओं की खरीद का आगाज पिछले साल के मुकाबले पचास रुपए के इजाफे के साथ हुआ शुरुआत में ही गन्ने के दाम तीन सौ प्रति क्विंटल तक मिले हैं हालांकि दो दिन बाद दाम कम हुए लेकिन नवरात्रों में ज्यादातर कोलू चलने से दामों में और भी इजाफा होगा दुनिया के टॉप के दो परसेंट वैज्ञानिकों की लिस्ट में बी के त्रेपन साइंटिस्ट के नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सदस्यों ने एक बार फिर से विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करते हुए विश्व के शीर्ष दो परसेंट वैज्ञानिकों की सूची में जगह बनाई स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा वैज्ञानिकों के शोध की गुणवत्ता और उन शोध कार्यो के साइटेशन के आंकड़ों के आधार पर यह सूची जारी की गई काशी के हिंदू विश्वविद्यालय से त्रेपन वैज्ञानिकों को इस सूची में शामिल किया गया है युवाओं के लिए आया नया अपडेट यूपी पुलिस में सड़सठ पदों पर भर्ती में होगा ये बदलाव उत्तर पुलिस के सड़सठ पदों पर भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए जरूरी खबर है पुलिस में नौकरी का सपना पालने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है यूपी में भर्ती को लेकर नया अपडेट आया भर्ती प्रक्रिया में अहम बदलाव किया गया है सड़सठ पदों पर भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी पांच सालों के लिए अड़ानी समूह का हुआ लखनऊ एयरपोर्ट शुरू में छह महीने के लिए मिला था लाइसेंस लखनऊ का एयरपोर्ट आने वाले पांच सालों के लिए पूरी तरह से अड़ानी समूह के हाथों में आ गया है अब एयरपोर्ट से जुड़े सभी काम अड़ानी की कंपनी ही देखेगी अमौसी एयरपोर्ट प्रशासन का कामकाज अड़ानी समूह देख रहा है जिसके लाइसेंस को पांच साल के लिए रिन्यू किया गया है जबकि अभी तक छह छह महीने के लिए रिन्यूवल किया जा रहा था अब पूरी तरह से अड़ानी समूह द्वारा एयरपोर्ट प्रशासन का कामकाज संभाला जाएगा आईटीबीएचयू में डीआरडीओ सेंटर चेयरमैन डॉक्टर कामत बोले रक्षा उपकरणों के मामले में अमेरिका चीन के बराबर होगा भारत आईआईटी बी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन हुआ बतौर मुख्य अतिथि डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत ने कहा कि देश के पन्द्रह शिक्षण संस्थानों में ऐसे सेंटर खोले गए हैं इसके माध्यम से रचनात्मक और संरचनात्मक टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे उन्होंने कहा कि रक्षा उपकरणों और अत्याधुनिक हथियारों के मामले में अमेरिका और चीन तो हमसे आगे है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दस पन्द्रह वर्षों में भारत उनके बराबर होगा पुर में एक साथ चार्ज होंगी पचास इलेक्ट्रिक बस सात करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा चार्जिंग स्टेशन जगदीशपुर के कोने में एक साथ पचास इलेक्ट्रिक बसेस को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी इसके साथ ही सात करोड़ तिरसठ लाख इक्यासी हजार रूपये की लागत से चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा निर्माण के लिए प्रशासन ने डेढ़ एकड़ जमीन दी बिजली निगम दो एमबीए क्षमता का छोटा उपकेंद्र बनाएगा भविष्य में सौर ऊर्जा से बसों को चार्ज करने की भी योजना बनाई जा रही है यूपी के बयासी हजार किसानों को लग सकता है झटका इस लाभ से हो सकते हैं वंचित यूपी के बदायूं जिले के बयासी हजार किसानों को झटका लगने वाला है इन किसानों ने अभी तक ई के नहीं कराई ऐसे में इन किसानों के लिए पंद्रहवीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा अगर इन किसानों के लिए पंद्रहवीं किस्त का लाभ लेना है तो जल्द ही ई के करा लें पंद्रहवीं किस्त इसी माह जारी होने वाली है ई के कराने के लिए कृषि अफसरों ने विभागीय कर्मचारियों को लगाया है खाली तकनीक व सभी रिक्त पदों पर भर्ती जल्द उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए योगी सरकार जल्द ही बड़ी भर्ती अभियान शुरू करने जा रहा है शहरी निकायों में खाली तकनीकी और अन्य जरूरी पदों पर जल्द ही भर्तियां शुरू की जाएंगी इसके लिए निकायों से उनके यहां खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया स्थानीय निकाय निदेशक डॉ नितिन बंसन ने निकायों को भेजे निर्देश में कहा कि उनके यहां केंद्रीय और अकेद्रीय सेवा के कितने पद स्वीकृत हैं इनमें से मौजूदा समय कितने पद खाली और कितने भरे हैं खासकर इनमें से तकनीकी संवर्ग के कितने पद हैं इन पदों का ब्यौरा एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाए यूपी के जिले में वायरल बुखार और डेंगू के बाद एक और नई बीमारी की दस्तक शहर में वायरल बुखार डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा अभी चला नहीं अस्पतालों में मरीजों की भरमार और तेजी से बढ़ रहे मरीजों की संख्या के बीच स्वाइन फ्लू के लिए अलर्ट जारी किया गया इसे निपटने के लिए जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज में संक्रामक रोग अस्पताल में 12 बेड सुरक्षित कर लिए गए शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में डेंगू के पैंतालीस नए मामले मिले अरेगा टीचर के नहीं छूटेंगे इंटरव्यू नियम बदले अब महानिदेशक से ले सकेंगे एनओसी मेडिकल कॉलेजेस में नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को अब अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा जरूरत पड़ने पर यह एनओसी उन्हें निदेशालय स्तर से ही मिल जाएगी इसके लिए शासन स्तर पर दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी राज्य सरकार ने एनओसी जारी करने को लेकर पहले से तय व्यवस्था में बदलाव का शासनादेश जारी कर दिया है चिकित्सा शिक्षक अब महानिदेशक से एनओसी ले सकेंगे यूपी में है देश का इकलौता पैरा ट्रेनिंग सेंटर एम एस धोनी भी ले चुके हैं यहाँ से ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क को हवा में पटकनी देने में सक्षम है एयर रिफ्यूलिंग के लिए महत्वपूर्ण आगरा एयरबेस की पहचान यहाँ से है इस स्कूल से ट्रेनिंग लेकर हर साल देश विदेश के तेरह हजार से अधिक पैरा ट्रुपर तैयार होते हैं यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले जवान युद्धस्थल से चालीस किलोमीटर दूर छलांग लगा सकते हैं यहाँ जो फेल हो जाता है वो हमेशा के लिए पैरा जम्पिंग का मौका खो देता है सहारनपुर में बहेगी विकास की गंगा धरातल पर उतरेगा पैतालीस करोड़ रूपए का निवेश प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सहारनपुर में विकास का अच्छा माहौल है जिसे कास्ट हस्तशिल्प कृषि उत्पादों खाद्य प्रसंस्करण हॉजरी उद्यान शहद आदि के लिए जाना जाता है जनपद में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बारह हजार करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन हुए थे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जनपद में पैतालीस करोड़ रूपए के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी है सुपर सौ खिलाड़ियों के चयन में खेल का खुलासा करेगी कमेटी जांच शुरू गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुरु गोरखनाथ स्पोर्ट्स फेलोशिप के तहत सुपर हंड्रेड खिलाड़ियों के चयन उन पर हुए खर्च के नाम पर जिम्मेदारों द्वारा खेल करने का मामला प्रकाश में आया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुपर हंड्रेड खिलाड़ियों के लिए अपनाई गई चयन प्रक्रिया उस मद में हुए खर्च और खिलाड़ियों की उपलब्धियों की जांच के लिए कमेटी गठित की है प्रथम दृष्टिया चयन से लेकर खर्च करने तक में गोलमोल सामने आया सत्रह नवंबर से प्रस्तावित बी एबी कॉम बीएससी की एनईपी विषम सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कैंपस कॉलेजेस में सत्रह नवंबर से प्रस्तावित बी एबी कॉम बीएससी की एनईपी विषम सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी छात्र कॉलेजेस में एक भी दिन क्लास न चलने का दावा करते हुए सीधे परीक्षा कराने पर विश्वविद्यालय का विरोध कर रहे थे पूरे मामले में कैंपस में छात्रों को बुलाया दुणा गया कॉलेज भी बिना कक्षाएं सेमेस्टर परीक्षा कराने पर आपत्ति जता रहे थे बीटेक और एमटेक छात्रों के लिए चार कोर्स मुफ्त 20 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन डॉक्टर कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के बीटेक और एमटेक के छात्र डेटा एनालिसिस से जुड़े चार कोर्स निःशुल्क कर सकेंगे ये कोर्स यूएस की डेटा एनालिटिक्स कंपनी क्लिक कराएगी ऑनलाइन माध्यम से कंपनी के विशेषज्ञ छात्रों को सबसे ज्यादा मांग वाले चार कोर्स का प्रशिक्षण देगी इस ऑनलाइन कोर्स में शामिल होने के लिए छात्रों को बीस अक्टूबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर छापा सौ करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली कई दस्तावेज जब्त हुए बेनामी संपत्तियों की तलाश में सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर आयकर विभाग की सर्वे और जांच शनिवार को रोक दी गई आयकर विभाग की टीम को बाबतपुर एयरपोर्ट के पास कीमती जमीन कई बोगस फॉर्म्स संबंधियों के नाम पर फ्लैट जमीन के अहम दस्तावेज हाथ लगे लखनऊ टीम के सर्वे और जांच में करीबी बिल्डर से लेन के बैंक स्टेटमेंट और जमीन की खरीद परोक्त में लगभग सौ करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति सामने आई भारतीय नागरिकों को, को अलर्ट रहने की सलाह दूतावास ने एडवाइजरी में कही ये बात इसराइल में हमास के आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त देवर अपनाया है पीएम ने कहा कि आतंकी संगठन हमास को इस हिमाकत की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं रिपोर्ट के अनुसार इसराइल में हमलों के बाद 22 लोगों की मौत हो चुकी है 500 से अधिक घायल है हालात की संवेदनशीलता को भापते हुए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है देवरिया में प्रेम यादव का घर गिराए जाने की तैयारी अखिलेश बोले कोई भी काम ना करें जिससे माहौल बिगड़े यूपी के देवरिया हत्याकांड का मामला गरमा गया विपक्ष के हमले से योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है इस मामले में प्रेमचंद यादव और उनके परिजन के घर पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया अखिलेश ने पोस्ट किया कि योगी सरकार को इशारों में एहतियात बरतने की सलाह दी है और शांति बनाए रखने की दिशा में कदम उठाने की अपील की है राम की लहरों में उतरा दस दशमलव सात पांच करोड़ का क्रूज राम का जलस्तर बढ़ाने के बाद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच क्रूज को सहारा स्टेट के पास राम में उतारा गया सफलतापूर्वक क्रूज के पानी में उतरते ही संचालन की जिम्मेदारी पानी वाले फार्म के निदेशक इसे बनाने वाले इंजीनियर आर्किटेक्ट और कर्मचारियों की टीम खुशी से झूम उठी सभी ने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट जलाकर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को बधाई दी जल्दी परीक्षण के बाद क्रूज का ट्रायल शुरू हो जाएगा एशियाड में भारत ने झटका क्रिकेट का गोल्ड मेडल अधूरे मैच में कैसे टीम इंडिया बनी चैंपियन भारत के पुरुष क्रिकेट टीम ने हांगछो एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया इससे पहले महिला क्रिकेट टीम ने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था भारत और अफगानिस्तान का क्रिकेट का गोल्ड मेडल मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेली टीम इंडिया शीर्ष रैंकिंग वाली टीम थी इसलिए भारत को गोल्ड मेडल दिया गया यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे भारत चीन बॉर्डर पर जवानों की हौसला अफसाई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड में हैं सीएम योगी शनिवार दोपहर को चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम पहुंचे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी को केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए शनिवार को पहुंचना था लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें ऐन मौके पर अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा केदार घाटी में ढाई बजे करीब मौसम खराब होने और घना कोहरा छाने के कारण हेली सवाए बाधित रहीं तो ये थी आज की पच्चीस फटाफट बड़ी खबरें अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद